नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू कर ले आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। प्रियंका ने की शिमला के रिज मैदान की सैर, प्रसिद्ध कॉफी हाउस भी पहुंची। अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंची। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन पहुंचते ही प्रियंका गांधी पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार को बधाई दी। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे विभिन्न संगठन, धर्मशाला में बोला हल्ला। महिला कुश्ती खिलाड़ियों से यौन उत्पीड़न के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने धर्मशाला में आज हल्ला बोला। संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष एवं सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इस दौरान जागोरी ग्रामीण परवर्तीय महिला अधिकार मंच, कलाधारी फोरम, कांगड़ा नागरिक अधिकार मंच, ड्रिफ्ट, हिमधरा कलेक्टिव, संभावना इंस्टीट्यूट, बोधार, चीडी की सदस्यों सहित पूर्व महिला खिलाड़ियों ने शहर में रैली निकाली। वहीं इस दौरान महिलाओं ने महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा दर्ज करवाई गई FIR के आधार पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को तुरंत WFI के अध्यक्ष पद से हटाकर गिरफ्तार करने की बात कही तथा सभी सरकारी और निजी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 को पूरे अक्षांश और भावना से लागू किए जाने की मांग की। ब्यास नदी को प्रदूषित करने पर नगर परिषद पर 15.30 लाख का जुर्माना। मनाली में ब्यास नदी का पवित्र जल प्रदूषित करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद पर 15.30 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। बोर्ड ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नगर परिषद को ठोस इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। रांगड़ी के समीप लगे कूड़े के ढेर से गंदगी ब्यास में मिल रही थी। वहीं हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मौके का दौरा किया और पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद नगर परिषद पर कार्रवाई के तौर पर जुर्माना लगाया है। वहीं नोटिस भी जारी किया गया। रांगड़ी के समीप वर्षों पहले कूड़ा संयंत्र केंद्र लगाया गया था। कूड़ा संयंत्र केंद्र में कचरा अधिक मात्रा में पहुंचना शुरू हो गया लेकिन सही तरीके से निष्पादन नहीं किया जा सका। बद्दी में व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी, छात्रों ने खाते से निकाले 5.50 लाख रुपए। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। व्यक्ति के खाते से छात्रों ने 5.5 लाख रुपए निकाले। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहादत अली निवासी मकान नंबर 136 दशहरा ग्राउंड फेस 3 बद्दी ने बद्दी पुलिस थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। शहादत अली ने बताया कि उसने UK ब्रदर्स साई रोड बद्दी से करीब 14,000 रुपये का फ़ोन लिया था। फ़ोन खरीदने के समय टिंकू ने कागजी कार्रवाई के लिए उसके बैंक खाते की फोटोकॉपी, ATM कार्ड, आधार कार्ड और कई अन्य कागजों पर साइन लिए थे और नए फोन में पुराना सिम डालकर फोन चालू करके दिया था। वहीं पीड़ित ने बताया कि इसके 2 दिन बाद वह बद्दी से अपने पैतृक घर चला गया। 20-25 दिन के बाद उसका सिम कार्ड अपने आप बंद हो गया और उसका बैंक खाता उसके गाँव अमरोहा में स्थित बैंक शाखा में ही है। वह बैंक में खाते की जानकारी लेने और दूसरा फोन नंबर ऐड करवाने गया और खर्चे के लिए पैसे निकालने लगा तो उसके खाते में केवल 13 रुपये मिले जबकि खाते में लगभग 5,50,000 रुपये थे। उसने आरोप लगाया है कि टिंकू व उसके साथियों ने उसके खाते से रुपये निकाले हैं। कर्नाटक में जीत पर CM सुक्खू बोले, कर्नाटक में नया इतिहास रचा, जनता बदलाव करना जानती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब 4 मई को नगर निगम शिमला के चुनाव परिणाम आने के बाद कर्नाटक गया तो लग रहा था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर पूछा, हुबली में जब गया तो वहां लाखों की भीड़ गई। हुबली में भाजपा का गढ़ था, वहां भाजपा के प्रत्याशी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया। वहीं इस लोकतंत्र ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की जनता जब बदलाव करने पर आती है तो बदल देती है। उन्होंने कहा कि 1985 के बाद सबसे ज्यादा 24 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से चुनाव चिन्ह पर नहीं था, आज कर्नाटक में इतिहास बदलकर नया इतिहास रचा है। कांग्रेस ने कर्नाटक के घोषणा पत्र में भी हिमाचल की तरह गारंटियां दी है। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, वह कर्नाटक के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सब लोग उनकी खुशी में अपने को शामिल करते हैं। अनुराग बोले, राज्य सरकारों का खेलों के प्रति उदासीन रवैया चिंता का विषय।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकारों के खेलों को बढ़ावा देने के प्रति उदासीन रुख पर चिंता जताई है। मंडी के दौरे के दौरान अनुराग ने आज सुंदरनगर के पुंग में निर्माणाधीन इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि खेल राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकारों को इसके विकास के लिए कार्य करना चाहिए। देश भर में बहुत कम सरकारें खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं दे रही हैं। कहा कि केंद्र ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम सुंदरनगर के निर्माण के लिए 4.50 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया है। एचआरटीसी चालक यूनियन ने दिया अल्टीमेटम, अग्रिम रात्रि भत्ता मिला तो ही देंगे सेवाएं। एचआरटीसी चालकों को अगर अग्रिम रात्रि भत्ता नहीं दिया गया तो बिना इसके सेवाएं नहीं दी जाएगी। यह चेतावनी हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी चालक यूनियन ने परिवहन प्रबंधन को दी है। मंडी में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश उप प्रधान दीपक राज शर्मा ने कहा कि चालकों को 37 महीने का नाइट ओवरटाइम सरकार के पास पेंडिंग चला है, जो करीब 2.56 करोड़ बनता है। उन्होंने कहा कि 2016 के पे स्केल रिवाइज के एरर करीब 90 करोड़ बनता है। उन्होंने कहा कि संगठन मांग करता है कि जिस तरह से निगम के अधिकारियों की तरफ से काम करने वाले एडवांस लेकर ही काम को जाते हैं, उसी तरह चालक परिचालकों को भी अग्रिम राशि लेकर रात्रि सेवा के लिए जाएंगे। अगर निगम एडवांस नहीं देता है तो फिर रात्रि सेवा के लिए कर्मचारी नहीं जाएंगे। पूर्व सैनिक निदेशालय 452 पदों के लिए करेगा भर्ती, जारी की तिथियां। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय हमीरपुर जल्द ही 452 के करीब पदों पर भर्ती करेगा। इसके लिए 1 जून से साक्षात्कार प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इन साक्षात्कारों के माध्यम से जेओए के ओबीसी के 5, एससी के 85, एसटी के 30 पद भरे जाने हैं। जेबीटी के सामान्य वर्ग के 140, ओबीसी के 32, एससी के 44, एसटी के 18 पद भरे जाने हैं। वहीं ड्राइंग अध्यापक के सामान्य वर्ग के लिए 45, ओबीसी के 11, एससी के 18 और एसटी के 9 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा लाइनमैन के सामान्य वर्ग के 10, ओबीसी के 3, एससी के 7 और एसटी के 2 पद भरे जाएंगे। 1 जून से विभिन्न पदों के लिए स्क्रीनिंग और प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया में पूर्व सैनिक, दिव्यांग सैनिक और शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में गुरुकुल पद्धति पर आधारित होंगे नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्टेट ऑफ द आर्ट नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र एक समग्र सोच के साथ गुरुकुल पद्धति पर आधारित होंगे, जहाँ पर नशे की गिरफ्त में आए व्यक्तियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए कार्य किया जाएगा और एक सादे जीवन एवं सामुदायिक सहयोग के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नीति तैयार करेगी। इस नीति के पारू प्रस्ताव पर उन्होंने आयोजित बैठक में विस्तार से चर्चा की। एचआरटीसी के परिचालकों की वेतन विसंगति जल्द होगी दूर, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य एचआरटीसी परिचालक संगठन को वेतन विसंगति दूर करने का आश्वासन दिया है। पिछले कल देर शाम संगठन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिला और उनसे परिचालकों की वेतन विसंगति का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पिछली बार आप मिले थे तो मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी मांग मेरे जहन में है और उस पर काम हो रहा है। बहुत जल्द इस वेतन विसंगति को दुरुस्त कर आपको खुशखबरी दी जाएगी। वहीं इस मौके पर कंडक्टर यूनियन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,11,000 रुपए का चेक भी भेंट किया। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।